नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल सर और आप देख रहे हैं स्पेशल बॉटनी क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक घटनाओं की जो डीएनए की खोज से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम डीएनए की खोज की बात करते हैं, हम सभी के दिमाग में दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, वाटसन और क्रिक। लेकिन क्या डीएनए की खोज का पूरा योगदान सिर्फ वाटसन और क्रिक को ही दिया जाना चाहिए? मैं तो कहूंगा नहीं। वाटसन और क्रिक से बहुत पहले भी कई वैज्ञानिकों ने डीएनए पर रिसर्च की और डीएनए की बहुत सी बातों को खोज निकाला। ये बात अलग है कि आखिर में वाटसन और क्रिक ने ही सभी जानकारी को इकट्ठा कर और कुछ अपनी रिसर्च को मिलाकर फाइनली डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल एक बेमिसाल मॉडल है जो डीएनए की पूरी संरचना और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाता है। इसी वजह से डीएनए की खोज का क्रेडिट वाटसन और क्रिक को ही जाता है। इस खोज के लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब डीएनए का कोई नाम भी नहीं जानता था। यह समय था 1869 से पहले का। 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने डब्ल्यूबीसी के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस की खोज की और उसे नाम दिया न्यूक्लिन। हालांकि तब वह ये नहीं जानते थे कि यही एसिडिक मटेरियल आगे जाकर डीएनए बनेगा और यही आगे जाकर एक जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। फ्रेडरिक मिस्चर की इस खोज के 20 साल बाद अल्टमान नाम के व्यक्ति ने इस एसिडिक सब्सटेंस पर अपनी रिसर्च की और 1889 में इस एसिडिक सब्सटेंस को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। अल्टमान के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसी एसिडिक सब्सटेंस पर अपनी रिसर्च जारी की, परंतु कोई विशेष उपलब्धि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। लगभग 40 साल बाद 1930 में कौसल नाम के वैज्ञानिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की रिएक्शन पानी के साथ करवाई। इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर चार प्रकार के कंपाउंड उन्हें प्राप्त हुए। इन सभी कंपाउंड में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी और वे कंपाउंड थे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। बाद में इन्हीं कंपाउंड को नाइट्रोजनस बेस कहा जाने लगा। तो कौशल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यह तो बता दिया कि डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन से बना होता है और उनकी इस खोज के लिए उन्हें 1970 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनका नाम है P.A.T. Levin। लिविन ही वे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की कि न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन युक्त सुगर मॉलिक्यूल होता है। ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। सन 1909 में लिविन ने राइबोस सुगर की खोज की और 1929 में डी ऑक्सी राइबोस खोज की। इसी आधार पर इन्होंने यह बताया कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए जिसके पास डी ऑक्सी राइबो शुगर है इसलिए इसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और दूसरा है आरएनए जिसके पास राइबो शुगर है और इसे इन्हें राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इन्होंने बताया कि डीएनए में जो 5 कार्बन युक्त शुगर है उसमें दूसरे कार्बन पर कोई ऑक्सीजन एटम नहीं होता जबकि राइबो शुगर में होता है, इसलिए इसे डी ऑक्सी राइबोज नाम दिया गया। बस यहीं से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के ऊपर रिसर्च करने की गति और अधिक बढ़ गई। हर वैज्ञानिक इनके ऊपर अपनी रिसर्च करना चाहता था। उस समय यह पता करने में वैज्ञानिकों की अधिक रुचि थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, हम कब किस सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। तो चलिए जानते हैं जेनेटिक मटेरियल के कुछ फीचर्स और जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टर। ऐसा सब्सटेंस
जिसके पास लार्ज अमाउंट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने की क्षमता हो और वह उस जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने की भी क्षमता रखता हो। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 1 ग्राम डीएनए में लगभग 700 टेराबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऐसा सब्सटेंस जो खुद को अनुकूल वातावरण में रेप्लिकेट कर सकता हो, डिवाइड करके दुगना हो सकता हो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी पाई जाती हो। ऐसा सब्सटेंस जिसमें म्यूटेशन करने पर जेनेटिक वेरिएशन आ सके। ऐसा सब्सटेंस जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा खुद के प्रभाव को दिखा सके। ऐसा सब्सटेंस जो जैविक कोशिका की प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर सके। अगर ये सभी प्रॉपर्टी जिस सब्सटेंस में होती हैं, उसे ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। और कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डीएनए के पास ये सभी प्रॉपर्टी होती हैं, इसीलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यह जानने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने किया और आखिर में हर्से और चेज ने 1951 में यह प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी इन महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बारे में भी ले लेते हैं जिन्होंने यह बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था जो 1928 में किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहे और निमोनिया बीमारी करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाद में जब हम इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे तब इसके पूरे बेसिक प्रिंसिपल, इसका कंसेप्ट क्या है और इस एक्सपेरिमेंट में डिटेल में उन्होंने क्या प्रोसेस की, वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। उनके इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट में यह नहीं क्लियर कर पाया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन सा है। इनके बाद 1944 में एवरी, मैकलियोड एंड मकार्टी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के उस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और कुछ बदलाव किए और यह साफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद आखिर में हर्से एंड चेस नाम के वैज्ञानिकों ने 1951 में यह प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रोसलिन फ्रैंकलिन। इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक महिला वैज्ञानिक थी, एक ऐसा नाम जिसको हमेशा से ही अंधेरे में रखा गया। आज जिस डबल हेलिक्स मॉडल को हम सभी पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस डबल हेलिक्स मॉडल की नींव ही फ्रैंकलिन की खोज के आधार पर रखी गई है। ये समय था 1951 से 1953 का, जब डीएनए की पूर्ण खोज अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन वैज्ञानिक डीएनए के सटीक विवरण और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताकर इतिहास रच दे। उस वक्त फ्रैंकलिन ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उस वक्त फ्रैंकलिन मॉरिस विल्किन नाम के वैज्ञानिक के साथ एक लेबोरेटरी में अपनी रिसर्च कर रही थी। उसी वक्त फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक की मदद से डीएनए का हाई रिजोल्यूशन, डीएनए का एक एचडी फोटोग्राफ निकाल लिया था और इस पिक्चर की मदद से उन्होंने यह बताया कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड अथवा दो चेन होती हैं, मतलब डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने बताया कि डीएनए का डायमीटर 22 एंगस्ट्रॉन्ग होता है और दो बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। उनके द्वारा लिया गया फोटो यह स्पष्ट रूप से बताता था कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और उनके इस फोटो को नाम दिया गया फोटो 51। ऐसा कहा जाता है कि फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। एक दिन फ्रैंकलिन की अनुपस्थिति में विल्किन ने फ्रैंकलिन की अनपब्लिश्ड रिसर्च और वो फोटो 51
वाटसन नाम के वैज्ञानिक को सौंप दिए। उसके बाद वाटसन और क्रिक ने फ्रैंकलिन के रिसर्च और फोटो 51 तथा स्वयं के द्वारा रिसर्च के आधार पर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में पेश कर दिया। और जिस जनरल में वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया गया, उसी जनरल में विल्किंस और फ्रैंकलिन ने अपनी एक्सरे स्टडी को भी पेश किया था। और 1958 में फ्रैंकलिन की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला। वाटसन और क्रिक की इस रिसर्च में फ्रैंकलिन का नाम छुपा के रखा गया, इसीलिए फ्रैंकलिन को डार्क लेडी ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे इरविन चारगोफ। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीएनए का केमिकल एनालिसिस किया और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें खोज निकाली। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजनस वेस के कंपोजिशन को स्टडी किया। इन्होंने डीएनए के अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस का मोलर कंसंट्रेशन ज्ञात किया और इन्होंने यह बताया कि पिरिमिडिन बेस प्यूरिन बेस के बराबर होते हैं, मतलब सी प्लस टी बराबर होता है ए प्लस टी के। और एक फॉर्मूला दिया जिसे चारगोफ रूल कहा जाता है, जिसमें एडेनिन बराबर होते हैं थायमिन के और ग्वानिन बराबर होते हैं साइटोसिन के। यह रूल कुछ वायरस के ऊपर काम नहीं करता क्योंकि उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। मतलब इरविन चारगोफ का जो नियम है, जो रूल है, वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही काम करता है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि एडेनिन का जो कंसंट्रेशन है वो थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन का कंसंट्रेशन साइटोसिन के बराबर होता है। तो दोस्तों ये बात की हमने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों ये बात की हमने डीएनए की डिस्कवरी से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की। थैंक यू।